उन लोगों को वहीं पे टोको, वहीं पे रोको। और भाई क्या ले रहे सब्सक्राइब करने का? क्या ले रहे? फ्री है यार वो बैगन। हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही अलग है जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ उससे। दिस इज़ अबाउट द करंट टॉपिक दैट इज़ रनिंग ऑन ट्विटर कॉल्ड एज हैशटैग बॉयस लॉकर रूम। जिसको भी बॉयस लॉकर रूम के बारे में पता नहीं, हियर इट इज़। तो देर आर सम बॉयस अबाउट एज 14-15 ईयर्स के। सो दे मेड ग्रुप चैट लाइक इंस्टाग्राम पे एंड दे यूज टू शेयर पिक्चर्स ऑफ गर्ल्स एंड यू नो दे यूज टू कॉमेंट ऑन दैम एंड ऑल। सो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। एज अ बॉय आई एम टेलिंग दिस, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ द रॉन्ग अपब्रिंगिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड वॉट अ गर्ल गोज थ्रू वेन शी गेट्स टू नो कि उसके पिक्चर्स ऐसे शेयर हो रहे हैं एंड ऐसे मतलब बच्चे या बॉयज या लड़के कोई भी दूसरे जेंडर के ऐसे कॉमेंट्स उसको पास कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस ग्रुप्स आर लाइक शुड बी बैंड। इन बच्चों के पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि लाइक यू नो दे हैव टू टीच देम अ लेसन सम हाउ। लाइक एज अ बॉय व्हाट कैन वी डू, लाइक एज बीइंग इन द लाइक बीइंग ऑन सेम जेंडर व्हाट कैन वी डू। तो थोड़े दिन पहले भी मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाला था विच गोस मैन इट इज़ आर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट अदर मैन ऑन हाउ नॉट टू बी टॉक्सिक। क्योंकि जब एक लड़का एक लड़के को बोलता है तो ही कैन अंडरस्टैंड, एंड वो लड़का टॉक्सिक इसी वजह से है बिकॉज वो लड़कियों की नहीं सुनता। लाइक टॉक्सिक मैन डोंट लिसन टू वुमेन, दैट्स पार्ट ऑफ वाई दे आर टॉक्सिक। इसीलिए वो लोग टॉक्सिक है। वी हैव टू टॉक टू दैम, वी हैव टू टॉक टू आर टॉक्सिक फ्रेंड्स कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है जो आप कर रहे हो। क्योंकि लाइक आई हैव सीन उस लॉकर रूम वाले चैट में देर आर सम यूजर्स हु आर नॉट एक्टिव, मतलब हु आर नॉट एक्टिव इन द ग्रुप, बट वॉट दे कुड हैव डन। वो लोग क्या कर सकते थे? वो लोग अगर सच्ची में उन लोग को शायद इंटरेस्ट नहीं था या पता नहीं किस वजह से एक्टिव नहीं थे, बट उसमें अगर कोई भी एक बंदा भी अच्छा होता तो उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए। या नहीं तो आपके कोई भी दोस्त है जिसकी थिंकिंग ऐसी है हु पासिस कॉमेंट्स ऑन गर्ल्स लाइक दिस, तो उन लोगों को वहीं पर टोको, वहीं पर रोको, वहीं पे टोको और वहीं पे रोको उन लोगों को, वहीं पे उनकी सोच कम करो, वहीं पे उनकी सोच ख़त्म करो। दिस इज़ हाउ वी एज अ मैन कैन डू दिस। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक दैट इज़ लाइक जो वायरल हो रहा है, इसमें देर आर सम अदर पॉइंट्स दैट कैन बी लुकड ऑन, ठीक है। तो पहली बात, जिन लड़कियों ने इन लड़कों को एक्सपोज किया हुआ है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, देयर इज़ वन लाइक वन गर्ल हु हैज़ डन कंप्लीट रिसर्च, उन लड़कियों ने दो स्टोरीज़ को मिक्स कर दिया है। दे हैव मिक्स्ड दिस बॉयज लॉकर रूम विच इज़ रॉन्ग एंड दे हैव मिक्स्ड इट विद द रेप थिंग दैट एक्चुअली हैपेंड विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो उन दोनों को मिक्स करके दे हैव कम्प्लीटली ब्लेम्ड दिस ऑन दीज बॉयज। सो फर्स्ट थिंग मिक्सिंग, अब पता नहीं उन लोगों ने शायद जान कर किया या मतलब पता नहीं था उनको ऐसे, मतलब दे डिड इट, बट दे शुड क्लैरिफाई ऑन दिस कि ये क्या सीन है। क्योंकि जो चीज़ जो रेप वाली चीज़ हुई थी, रेप वाली चैट हुई थी, वो स्नैपचैट की थी एंड दैट वॉज बिटवीन टू बॉयज एंड दैट इज़ ऑफ अ कम्प्लीट डिफरेंट स्टोरी। उन लोगों को उन लोग के प्रिंसिपल को पता चला, दे गॉट एक्सपेल्ड एंड ऑल, ये सब हो गया। बट उस चीज़ को आप इस चीज़ के साथ मिक्स करके अगर डालोगे तो लाइक ज़्यादा गंदा हो जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ हैविंग ओपिनियन, लाइक आई बिलीव एवरी वन कैन हैव ओपिनियन। सो मेरा ओपिनियन ये है कि आई नो दोज बॉयज हैव डन रॉन्ग एट दैट एज, दे शुड बी पनिश्ड एंड दे शुड बी टॉट अ लेसन, दे शुड यू नो रियलाइज वॉट देयर मिस्टेक इज। बट डू यू थिंक उन लोगों को सोशल मीडिया पर घसीट के यू नो इतना उन लोग के नाम के साथ उन लोगों को अगर डिफेम करके उस एज में, विल दे बी एबल टू हैंडल इट? श्योर उन लोगों को जेल होनी चाहिए। आई नो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि दे डिज़र्व दिस, उन लोगों को ये हेट मिलना चाहिए, बट मेरे ख्याल से एट दैट एज ये हेट नहीं मिलना चाहिए। अगर यू नो हाउ कैन वी डील विद दिस,
जब उन लड़कियों को पता चला कि ये ऐसे हुआ है, ऐसे इस चीज़ का मतलब ये बॉयज़ लॉकर रूम वगैरह चल रहा है, तो वॉट दे कुड हैव डन, ये लोग ऑफिशियल कंप्लेंट कर सकते थे पुलिस को. दे कुड हैव इवन रिटन यू नो लाइक डीएम द पुलिस लाइक, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर पुलिस स्टेशन भी एक्टिव है. सो उन लोगों की तरफ लीगल एक्शंस लेके, उन लोग के पेरेंट्स के साथ बात करके, उन लोग को एक काउंसिल में बिठा के यू नो उन लोग को एक लेसन अच्छे से समझाना चाहिए था, एंड पनिशमेंट शुड हैव बिन गिवन. ओके, मतलब जो उन लोगों ने किया हुआ है उसके हिसाब से उन लोग को पनिशमेंट मिलनी भी चाहिए. बट उन लोग के नाम के साथ अगर आप डिफेम करोगे उनको, नाउ ठीक है उन लोग को पनिशमेंट मिल भी गई, लाइक डिफेम हो गए वो लोग, उन लोग को पनिशमेंट मिल भी गई, पुलिस पुलिस उनको पकड़ भी ली, मतलब आज सुबह ही एक को कस्टडी में ले लिया. सो दे हैव गॉन टू जेल, एंड वंस दे कम बैक विल द सोसाइटी विल एक्सेप्ट देम? नो. अगर उन लोग को पहले उन लोग के दिमाग में से उस चीज़ को अच्छे से आप निकाल दो, चेंज करो ना उन लोग को, मेक मतलब उन लोग को ह्यूमन बनने में उनको आप हेल्प करो ना. दिस इज दिस दिस एक्ट दैट दे हैव डन इज इनह्यूमन, राइट? सो हेल्प देम इन बिकमिंग ह्यूमन विथ पॉजिटिविटी. आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सबको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है. बट अगर जो मैंने कहा अगर वैसे पहले करते, एंड देन सोशल मीडिया पे वो लड़कियां डालते कि दिस हैपेंड, ऐसे बॉयज लॉकर रूम करके था, देवर टू बॉयज हु डिड दिस, या देवर बंच ऑफ बॉयज हु डिड दिस, उन लोग के नाम नहीं लेंगे बट दे आर फ्रॉम दिस प्लेस. सो उन लोगों को ऐसे एक्शंस लिए गए एंड नाउ दे आर चेंज्ड, ऐसे करके अगर डालते तो उस टाइम पे अगर ये वायरल होता तो लड़के डिफेम नहीं होते, उन लोग के मेंटल प्रेशर पे यू नो इफेक्ट नहीं गिरता, एंड लोगों को लेसन भी मिल जाता कि ओके वी शुड नॉट डू दिस, दिस इज़ रॉन्ग. दिस इज़ माई ओपिनियन, आई नो इट लाइक मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अगर आप लोग का कुछ ओपिनियन है तो कॉमेंट करो नीचे. एंड या डोंट ब्रिंग हेट टुवर्ड्स मी, इट्स जस्ट माई ओपिनियन, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जो उन लोगों ने किया वो बहुत गलत है. बस उस गलती को सुधारने का तरीका मे को उतना सही नहीं लगा, एंड बाकी आपकी मर्ज़ी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल आई सी यू अगेन, अडियोस अमिगोस.